हेलो फ्रेंड, आप अगर नया डिश ले आ, सोच रहे हैं कि कैसे हम लगाएं, तो इस वीडियो में यही है। देखिए नया डिश है और कैसे लगेगा, कहां पर, जो कि आप देख सकते हैं पूरा नया, अभी पूरा अच्छी लगेगा, और कहां पर लगेगा, कैसे सिग्नल आएगा, वो चीज़ हम आपको बताने लगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वायर कनेक्टर, ये जो इसमें लगेगा, ये टाई मिल जाएगा, और ये वायर क्लिप, और ये इतना छोटा सेट टॉप बॉक्स रहता है। ये HD हाई डिफिनेशन सेट टॉप बॉक्स है, अब कार्ड इन बिल्ड है, इसमें कार्ड नहीं लगता है, जो कि ऐसा वाला पहले कार्ड आता था। ऐसा वाला जो कार्ड आता था, ये अब इसमें इन बिल्ड है, कार्ड का प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके लिए। और ये HDMI, इधर ये HDMI दिया हुआ है, और ये ऑडियो वीडियो के लिए UXC कोड, और ये एडेप्टर का, ये ऑन ऑफ पावर ऑन ऑफ का है, और ये कनेक्टर का है, और ये इस साइड USB का है, और इस साइड आपका लाइट ब्लिंक करेगा। और ये रिमोट का भी 1 साल वारंटी है, सेट टॉप बॉक्स का भी। रिमोट हल डैमेज नहीं होना चाहिए, जैसे ये रिमोट है टूटना नहीं चाहिए, 1 साल तक वारंटी है। अभी देखिए ये सेट टॉप बॉक्स, ये पंचिंग मशीन है, जो कि वायर जो कनेक्टर लगाएंगे इसे पंच करेंगे, और ये कटर है। अभी देखिए ये हम लगाएंगे अभी एलिवेस्टर पे, तो देखिए ये LNB हो गया, इधर रख देते हैं। देखिए फाड़ने के बाद ऐसा दिखेगा, और ये देखिए ये ओरिजिनल जो डिश टीवी का कनेक्शन रहता है, उसमें ये जो नट लगा हुआ रहता है, ये नट इसमें लगा ही रहता है, तो आपको खोलना पड़ेगा इसे। देखिए ये सब नट खोल दिया, और ये जो अभी एलिवेस्टर पे लगेगा, तो भाई ये आपको रखना पड़ेगा बैग में। ये देखिए ये नट, और ये देखिए ये जो है, ये दीवार के लिए दिया हुआ है, पहले से कंपनी दिया हुआ रहता है, तो ये कस्टमर को दे देंगे, ताकि दीवार आगे जाकर के बनाए मकान, तो उसमें लगा सके। तो ये तो अभी एलिवेस्टर पे लगेगा ले दिया हुआ है, ये दे देंगे। और ये देखिए ये कैसे लगेगा, कहाँ पर, ये दो ही रहता है, सब कनेक्शन में आपको दो ही मिलेगा, जो कि लेफ्ट राइट में लगेगा। ये देखिए ये जो है 3 मिल जाएगा, और ये नट, ये जो मीडियम साइज का है 1 मिल जाएगा, ये बड़ा वाला 3 मिल जाएगा, और ये जो है स्मॉल टाइप का, ये सबसे स्मॉल, ये देखिए 4 रहेगा, तो ये, और ये फिर ये 2, 6 रहेगा इधर, और ये 2 इधर रख देते हैं। और ये जो है कहाँ पे लगेगा, सबसे पहले देखिए ये इधर रख देते हैं, मीडियम साइज का इतना नट रहेगा। ये देखिए सब नट लग जाएगा। अभी देखिए ये जो मीडियम साइज का है, इससे थोड़ा सा छोटा जो है ये वाला, ये इसमें लगेगा 2, ऐसे करके देखिए, और नट कोई सा भी आप लगा सकते हैं इसे। ये देखिए ये 2 लगा दिया। अभी क्या करेंगे, ये जो पीस है, ये वाला देखिए इसमें लगेगा, और ये जो 3 बोले थे आपको, एक इस पे लगेगा, फोन निकल कर रुक दिया, रुक ले वीडियो, फोन करना है। तो देखिए यहाँ पे लग जाएगा, हाँ, और देखिए यहाँ पे ये टाइट कर दिया। देखिए ये सब अभी देखिए पूरा का पूरा लग जाएगा, ये सब पहले इधर, ये देखिए 6 जो है, अब 6 जो है इसमें से एक ऐसे करके, देखिए ये जो ऊपर में लगा दिया, ये ऐसे हो रहा है, एक अब यहाँ पे लगेगा, देखिए इस साइड से ऐसे करके ये लगा दिया, ये जो है ये पैसा इसमें लगेगा, और ये नट एक लेफ्ट में लग गया, और फिर देखिए एक राइट में लग जाएगा ऐसे करके, देखिए ऐसे करके ये नीचे से ये ऐसे लग गया। अभी ये देखिए ये नट सब लग रहा है, ये जो है ये 2 साइड आपको दिख जाएगा, 2 जो ये हॉल है, ये इस साइड लग रहा है, इधर भी देख सकते हैं 2 हॉल है, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके ये लग गया, और एक जो अभी ये नट बच गया, ये इसमें लग गया इस साइड से, इस साइड से गोल टाइप का रहेगा, इस साइड से खांच टाइप का, तो ये खांच में फंस जाएगा,
ये वाला देखिए, ये तो LNB का हो गया, ये वाला खाँच वाला फंस जाएगा ऐसे करके देखिए। फिर ये नट ऐसे लेके और ये इसे अभी टाइट कर देंगे, फुल टाइट कर देंगे। अब बाकी ये सब अभी टाइट नहीं करेंगे क्योंकि सिग्नल मिलने के बाद ये टाइट होगा। ये देखिए टाइट कर दिया। अभी ये डिश ऐसे करके ये ऐसे लग जाएगा। अभी देखिए ये ऐसे करके लग जाएगा। और ये जो चार है, चार इस सेट नट रखेंगे और ये देखिए ऐसे करके ये अब एक यहाँ पे फिर एक ऊपर चार जगह और देखिए लगा दिया। फिर ये यहाँ पे लगा दिया और ये देखिए चारों का चारों लग गया। ये नट अभी फुल टाइट कर देंगे। अब अभी देखिए ये जो LNB कैप है यहाँ पे लगेगा ऐसे, इस साइड से नहीं लगेगा, ये इस साइड से डिश टीवी HD होम जो है इस साइड से ऐसे करके लगेगा। और ये जो नट है ऐसे करके और ये देखिए यहाँ पे लग जाएगा और ये इस फुल टाइट कर देंगे। ये भी ये टाइट हो गया। अब स्क्रू ड्राइव के मदद से ये देखिए ये ऐसे करके नट खोलेंगे, पेच देखिए ये खुल गया। और ये LNB है, मेड इन इंडियन LNB है ये, इसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, न्यू LNB है ये। ऐसे करके इसे टाइट कर देंगे देखिए। ये ऐसे करिए थोड़ा सा यहाँ पे एंगल है दिखा देंगे हम, जीरो से इस साइड रहना चाहिए थोड़ा सा टेढ़ा तो जाकर के सिग्नल आएगा। ये लग गया, ये अभी स्टेन बनाना है। बंद फोन। हेलो, हाँ चालू है। और देखिए यहाँ पे ड्रिल मशीन हम लोग लेकर के चलते हैं, पर ये यहाँ पर ड्रिल मशीन का यूज नहीं होगा क्योंकि ये एलिवेस्टर पे लगेगा। पेंसिल ले लिया, स्क्रू ड्राइव डबल रिंच ले लेंगे और ये देखिए अभी ऊपर जा रहा है। निशान लगा करके फिर से होल करना पड़ेगा, ये हथौड़ा का काम पड़ेगा हथौड़ी। और ये इससे ही होल कर देंगे, ये आ जाएगा ऊपर जा रहा हूँ। पहले ये लगाने के बाद ये डिश लेकर के जाएंगे। डिश दादी ये अभी निकालने थे। ये जो है कस्टमर जहाँ पर बोलेंगे वहीं पर लगाना पड़ेगा क्योंकि देखिए कस्टमर बोल रहे हैं यहाँ पर लगाने के लिए। इधर का हो, इधर का लो। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कस्टमर। यहाँ पर लगाएंगे वहाँ पर देख लेंगे कि भाई पेड़ पौधा तो नहीं है, पेड़ पौधा रहेगा तो ये लगाने के बाद सिग्नल भी नहीं आएगा, तो ये क्लियर रहना चाहिए। दिखा दीजिए क्लियर है, ये देखिए पूरा क्लियर है। यहाँ पर पेड़ उड़ नहीं है तो यहाँ पे प्रॉपर अच्छा सिग्नल आएगा। यहाँ पे देखिए अच्छा सिग्नल आएगा इसके लिए।
नहीं तो यहाँ पे जैसे लगा रहे हैं बगल में जस्ट पेड़ है तो ये सिग्नल नहीं है, कोई सा भी काम नहीं करेगा, सेटेलाइट काम ही नहीं करेगा। देखिए बता बता, और देखिए ये जो है नीचे वाला में नहीं करेंगे क्योंकि क्योंकि बारिश होगा तो भाई ये ऐसे करके पानी जाएगा तो ज्यादा ये पानी का झलना पड़ेगा, इसके लिए ये जो ऊपर रहता है इस पे देंगे, इस पे पानी नहीं रुकेगा। और देखिए यहाँ पे जैसे ही एंगल बन जाएगा, यहाँ पे नहीं आ रहा है, देखिए एकदम प्रॉपर ये जो है भाई, ये देखिए निशान लगा लिया, पेंसिल से निशान लगा लिया हम, एंगल बन गया। और ये देखिए हॉल हो गया, और ये जो नट है ये नीचे से देना पड़ेगा, कस्टमर को दे देते हैं, चार नट है, ये जो ऊपर का नट है ये आपको रख लेना है। ये देखिए ये कस्टमर को दे देंगे ताकि ऊपर से नीचे से अपना ऐसे करके देंगे तो ये निकलेगा। अभी चार हमें जो निशान लगा है चार पे कर लेते हैं, ये 6 mm का बीट है भाई, ये 2 हो गया, 2 यहाँ पे, ये हो गया, रोक दे। और देखिए भाई ये जो है ऐसे करके आपको ये ऐसे डाल देना है भाई, ऊपर से डाल देना है, नहीं तो हाँ हाँ ये नीचे में भी डाल दिया, एक ऊपर से भी डाल दिया। हाँ अब दूसरा वाला मैं वाला में नहीं बुला में जेबला में दे चले, जेबला में पहले दे लिए। और ऐसा वाला जो है भाई ये नीचे में भी दे दिए, पकड़ रहेगा और ऊपर से। रुक रुक नीचा करो, हाँ आप दियो, ये भाई पानी इस पे चेक करके दिखा देंगे, पानी नहीं छुएगा, ये इसे टाइट कर लेंगे भाई। देखिए भाई टाइट हो गया, ज्यादा टाइट भी नहीं करेंगे, ये अपने पेल से टूट जाएगा। इसे देखिए यहाँ से भी डाल दिए, एक नीचे से भी डाल दिए, डाल दिए दूसरा वाला में, रुक जा नीचा करो, ये वाला जो है ये टाइट कर देंगे, कहीं पर भी भाई ये यहाँ से भी सिग्नल का प्रॉब्लम बहुत आता है। देखिए ये डीएसएस लग जाए थोड़ा सा इधर,
और देखिए ये वायर अभी डाल रहे हैं ये नीचे के लिए अभी, और जो भी अगर एक्स्ट्रा बचेगा वो नीचे ही रख देंगे। तो देखिए ये इधर से डाल रहे हैं वायर, देखिए भाई वायर जो भी है अगर एक्स्ट्रा वो भी नीचे रख देंगे। इतना जो है ये इधर से लेंगे और ये करीब इतना, क्योंकि एक राउंड यहाँ पे ऐसे करके होगा और ये सही है इतना, ये इसमें बांध देते हैं भाई। चलिए अब नीचे चलते हैं। लिख दिया रहे तुम भाई, ये ऐसे करके वायर मतलब लेकर के आना पड़ता है, और जो भी अगर एक्स्ट्रा वायर बच रहा है यहीं पर फोल्ड करके कहीं पर रख देंगे, क्योंकि ऊपर रखेंगे तो धूप और बारिश की वजह से वायर खराब हो जाएगा, और एक्स्ट्रा इधर बचा रहेगा तो फिर ऊपर जितना खराब होगा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो भी है कंपनी की तरफ से अगर एक्स्ट्रा जो वायर मिलता है अगर बच जाता है 10 मीटर के बाद तो ये कस्टमर का रहता है, तो वायर फोल्ड करके रख देंगे कहीं पर, वहां पे बोल रहे हैं कस्टमर रख देते हैं। और बॉक्स के साथ टाई तो ये है कि ऊपर में यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ऊपर दे देंगे। ये रेडमी का जो है ये एंड्रॉइड एलईडी है, स्मार्ट से भी आगे जो आता है एंड्रॉइड, यानी इसमें बोले तो होम सब चीज है इसमें। और देखिए ये कनेक्टर हो गया और ये कटर हो गया, यहां से वायर ऐसे करके काट करके और ये निकल जाएगा, नहीं तो आप चाकू से भी ऐसे करके ये देखिए ऐसे कट करने के बाद यहाँ पे जो ये देखिए वायर जो है यहाँ पर निकाले हुए हम अभी, इसमें टच नहीं होना चाहिए नहीं तो ऐसे करके ये शॉर्ट कट जाएगा। ये यहाँ ये कट हो गया इतना किया, और ये देखिए ये प्रॉपर ये निकलना चाहिए सिंगल, और ये कनेक्टर जो है ऐसे करके ये लग गया और इतना निकल गया, प्लस से ये कट कर देंगे। और ये देखिए पंचिंग मशीन है, ये अभी ऐसे करके खींचेंगे खींच जाएगा निकल जाएगा, और ये जैसे ये पंच कर देंगे ऐसे करके ये अब नहीं निकलेगा, ये पंच हो गया, ये पंचिंग मशीन रहता है जो टेक्नीशियन है। और देखिए ये हो गया, अब ये कनेक्टर एक जो है इसमें एक ऊपर लगेगा, तो ये अभी रख लेते हैं। और ये एडेप्टर हो गया, और देखिए ये एलईडी का हो गया, एलईडी ऐसे लगा दिया, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का है, ये ऐसे ये ऑन करते हैं, रेडमी का देख सकते हैं और एंड्रॉइड लिखेगा यहाँ पे। और ये एडेप्टर हो गया डिस्ट्री की तरफ से, और ये रहा सेक्टर बॉक्स, ये देखिए जो कि ये देख दिखाई, ये रेडमी देखिए कैसे आ रहा है लोगो यहाँ पर, और ये देखिए ये कट गया, ये जो है कनेक्टर ऐसे लगा दिया, और ये HDMI हो गया 1.5 मीटर का हाई क्वालिटी हाइट स्पीड बहुत है फास्ट, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है हाई स्पीड है इसमें, मतलब जो कि आप पहले क्या होता था कि आपको पिक्चर दिख रहा है साउंड थोड़ा स्लो में आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये हाई स्पीड का ये HDMI है 1.5 मीटर का रहता है, ये डिस्ट्री की तरफ से मिलेगा। और ये देखिए ये HDMI पोर्ट में लग जाएगा, और ये जो है एंड्रॉइड LED है, इसमें नेट का भी वायर इसमें लगेगा, और ये HDMI 1, 2, 3 तक रहता है, और एक नेट का वायर हो गया, एक AV कोड, 2 लीड आ गया USB, और एक लीड आ जाएगा जो कि होम थिएटर में भी लगा सकते हैं, इसमें तो वायरलेस है ब्लूटूथ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI 1 में जहाँ पे भी लगा हुआ है यहाँ पे शो कर जाएगा अभी, जैसे सेटअप बॉक्स में देंगे, ये देखिए एडेप्टर लगा दिया, और ये HDMI देखिए इसमें लाइट ब्लिंक कर रहा है रेड, और ये ग्रीन हो जाएगा अभी,
ये देखिए एचडीएमआई हमारे 2 में लगा हुआ है, 2 ऑटोमेटिक ले लिया। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए 1 ये रहा, 1 में लगा देते हैं, 1 2 यानी 2 स्लॉट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एचडीएमआई 1 शो कर दिया और ये देखिए क्लिक किया और यहाँ पे अगर सिग्नल नहीं मिला रहेगा तो सिग्नल नॉट फंड आ जाएगा, 3 से 1 सिग्नल नॉट फंड। ये तो पहला, ये ऐसे सेटअप बॉक्स जो है न्यू सेटअप बॉक्स है ये, इसके लिए अभी ऐसे करके आ रहा है सिग्नल लेवल और सिग्नल स्ट्रेंथ क्वालिटी आ रहा है। तो यहाँ पे अभी जैसे ये देखिए अभी सेटअप बॉक्स लगा और ये आवाज कर रहा है और जैसे सिग्नल मिल जाएगा ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा आवाज। अभी ऊपर में जाकर के सिग्नल मिलाएंगे, ये टाइप हो गया जो वायर के लिए। भाई देखिए एक टायर लग गया तो टायर ले लेते मेरे पास। भाई ये आपके लिए वीडियो बनाने के लिए ये मीटर से अभी सिग्नल मिला रहा, नहीं तो मेरे पास पर्सनली है जो कि लाइट कट गया हुआ है तब पर भी सिग्नल मिल जाएगा जो कि कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। हम आपके चक्कर में ये वीडियो के लिए कि आप ताकि सेटेलाइट फाइंडर कम दाम का मिलता है ये, तो इससे ही आप सिग्नल मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर भी भाई चाकू से ही, नहीं तो मेरे पास ये देखिए ये कटर से भी काट लीजिए भाई, तो चाकू से ये नेप ये टच नहीं करना चाहिए। देखिए लग गया और ये देखिए इसे करके पंचिंग मशीन से ये पंच कर दिए। यहाँ से भाई खोल लेंगे, अभी ये जैसे ही इसमें लगाएंगे ये लाइन आ जाएगा। देखिए आवाज कर रहा है, देखिए अभी गांव में आए भाई डिश लगाने के लिए, हमें तो सब जगह जाना पड़ता है भाई, कंपनी का है जो भी कहीं पर भी लेगा कनेक्शन तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। देखिए ये कम बेसी कर सकते हैं, देखिए हम बता देते हैं मशीन में, ये देखिए 3 इंच ले लिया और ये जो है अभी ये इसे 5 पे रख देंगे, 5 पे और ये ऐसे करके घुमाएंगे, ये थोड़ा सा टाइट किए हुए हैं, देखिए टाइट सेट है। देखिए ये 5 पे रखे हुए हैं, जैसे ये मिलेगा कहीं पर भी मिल जाएगा तो देखिए ये बढ़ गया, यानी ये सिग्नल नहीं है, फिर हमें दूसरा सिग्नल मिलाना पड़ेगा। देखिए आवाज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चलिए भाई बढ़ गया, मजा नहीं रहा है, क्या करेंगे दूसरा है सेटेलाइट पे देखेंगे। देखिए देखिए अभी आ गया, कस्टमर से पूछेंगे कि भाई 81-84 है, मतलब 80 से ऊपर रहना चाहिए, 85 से ऊपर। ये देखिए ये आ गया, कितने सिग्नल क्वालिटी ना, ऐसा अगला छियासी 87 हो रहा है। तो भाई अब ये टेंट कर देंगे, देखिए पहला ये टेंट करेंगे, इधर दिखा दीजिए, इधर ये वाला टेंट, फिर ये टेंट करेंगे भाई, दोनों का दोनों फिट कर दिए। ये फुल टेंट कर दिए, ये सब भी क्या करेंगे इस ये वाला भी टेंट कर देंगे फुल। ऐसे भी टाइट कर देंगे, जैसे टाइट कर देंगे
ये देखिए, इधर दिखाइए, ये देखिए जैसे ये LNB खोल रहे हैं, एक कम आवाज़ दे देगा, दूसरा ही आवाज़ दे देगा। देखिए अभी लगाएंगे ये सीधा, और देखिए ये लगा दिए, थोड़ा सा ये टेढ़ा रहना चाहिए। देखिए इससे टाइट कर देंगे, सब टाई है, यहाँ पे लगाएंगे ऐसे करके। यहाँ पर लगाएंगे और ये ऐसे करके एक राउंड देंगे भाई, कभी कनेक्टर में जंग आ जाता है, कार्बन आ जाता है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा जो रहता है वो ना यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देंगे और एक यहाँ पे रहेंगे, जो भी अगर एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ तो फिलहाल से ये कट कर देंगे। अभी रुक जाओ, बंद कर, पॉज कर। चालू कर गया, बंद करे, बंद ना चालू चालू। और देखिए ये आगे इधर सिग्नल क्वालिटी 83-85 हो रहा है, 84 हो रहा है, और ये देखिए इस साइड से स्टार्ट पे आकर के, देखिए ये स्टार्ट पे आकर के स्टार्ट किया ओके, और ये देखिए सॉफ्टवेयर एक लेगा और ये चालू हो जाएगा। बॉक्स नंबर जो ये है ये भेज दिया ऑफिस पे, अभी चालू हो जाएगा। और ये देखिए ये दूसरा जगह कनेक्शन फिर लगाएं, और देखिए ये दूसरा जगह फिर कनेक्शन लगाएं, इसमें देखिए कितना रहा सिग्नल क्वालिटी। यानी हम लोग पर डे 5-6 कनेक्शन यानी न्यू लगा ही लेते हैं। जो कनेक्शन लगाए हैं फर्स्ट वाला वो देखिए सेटअप चालू हो गया, चालू होने के बाद 95 और देखिए ये चैनल ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं, नहीं तो 96। इसमें ये फर्स्ट टाइम है, सॉफ्टवेयर ले लिया तो इसमें देखिए ये LED है, इसके लिए क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 720 HD चैनल पहले लगा लेते हैं। और ये देखिए इस पे पहला देखिए ये मेनू दबाएंगे और ये मैच डिस्टी पे आ जाएंगे, और ये उसके बाद ये वीडियो एंड डिस्प्ले जो है उस पर आकर के क्लिक करेंगे, और ये देखिए 10720p है, इसके लिए 1080i कर देंगे इस पर, क्योंकि नॉर्मल भी देखना, और ये नहीं तो बढ़ा सकते हैं 1080p भी कर सकते हैं i के जगह। ये देखिए 1080p अच्छा रहता है, और देखिए बेस्ट क्वालिटी आ गया, क्वालिटी मतलब चेंज हो गया अभी भी, देखिए आजादी फिर यहाँ से स्टार्ट है। ये देखिए डिस्कवरी आ जाएगा, यहाँ से भजपुरी, यहाँ से आस्था भजन भगवान वाला, यहाँ से सीरियल, और भी कई सारा चैनल है, तो आप चैनल जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।